मड़फा दुर्ग भी एक चंदेलकालीन किला है। यह दुर्ग चित्रकूट से 30 किलोमीटर व भरतकूप से 10 किलोमीटर की दूरी पर मानपुर के समीप एक पहाड़ी पर है। चंदेल शासन काल में इस दुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था तथा दुर्ग के भग्नावशेष आज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग का विशेष महत्व था तथा यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी सराहनीय है। यह दुर्ग कालिंजर से 26 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। इस दुर्ग पर चढ़ने के 3 रास्ता है। पहला मानपुर गांव से, दूसरा सांवरिया गांव से और तीसरा कुरहन गांव से है। हम चलेंगे मानपुर गांव की तरफ से। यह रास्ता कंक्रीट का पक्का और चौड़ा है। इस रास्ते से जाने में समय भी कम लगेगा और सुरक्षित हम लोग दुर्ग तक पहुँच जाएंगे। मड़फा दुर्ग की खोज अंग्रेज इतिहासकार ने 18वीं शताब्दी में की थी और इसे मड़फा नाम प्रदान किया। इस दुर्ग में कालांतर में बघेलों, बुंदेलों, नरेशों का राज्य रहा। यहाँ का अंतिम शासक हरवंश राय था, जिसका पतन चचरिया युद्ध के पश्चात हुआ। यह युद्ध सन 1780 में बांदा के राजा और पन्ना के राजा के मध्य हुआ था। सन 1804 में ब्रिटिश सैनिकों ने इसे अपने अधिकार में लिया था। फाइनल हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुकी हैं। बहुत थका देने वाली ऊंचाई है। बहुत गहरी थकान। साथियों, हम लोगों के लगभग 521 सीढ़ियां चढ़ने के बाद सबसे प्राचीन दुर्ग जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, चित्रकूट जनपद में है, मंडपा है, वहां पे हम लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो आप मंदिर में दर्शन करेंगे, ये पंचमुखी देवादिदेव महादेव की प्रतिमा है, जो इसी किले के ऊपर, किले के निर्माण के समय जिस समय खनन का कार्य किया जा रहा था, ये मूर्ति उसी खनन के दरमियान निकल के आई है। इस किले का जो परिक्षेत्र है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का परिक्षेत्र बना हुआ है। इसमें भवन के जो भवनावेश है, ये सब खंडित हो गए हैं। आज ये मंडफा किला जीर्ण शीर्ण हो गया है। यहाँ पर कोई देखरेख न होने की वजह से क्षरण का शिकार हो गया था। लेकिन जब से इस किले को पुरातत्व विभाग ने गोद में लिया, संरक्षण का कार्य करना शुरू किया है, अब ये मंडफा दुर्ग पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छा घूमने फिरने का स्थान बन रहा है। और जब भी आप इस क्षेत्र में आए, तो ये पंचमुखी महादेव जी का जो प्राचीन मूर्ति है, इसका आप दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ मंदिर से हम लोग लवकुश जी के साथ आगे जो मांडव ऋषिश्वर इस पहाड़ी पर तपस्या करते थे, तो उस मांडव आश्रम के लिए हम जा रहे हैं। इस पहाड़ी के ऊपर सेज, दूधे और तेंदू के बहुत घने जंगल हैं, घने पेड़ हैं। इसी तेंदू से बीड़ी का निर्माण होता है। आप और इस पत्ते को तोड़कर, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो पत्ते का तोड़कर बीड़ी के पत्तों का व्यवसाय करते हैं, उसको एकत्रित करके बाजार में बेचते हैं। तो आप घने जंगल देख रहे हैं, पूरा तेंदू, सेज, सारे पेड़ पौधे से पूरा। उसी हुई देखिए दूर से वो मंदिर का जो मीनार दिख रहा है ना, जिसको हम खोज रहे थे, वो हमें अब यहाँ पे दिखाई देने लगा है। तो चलते हैं आगे और इस मंदिर के भवनावेश को देखते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद एक सरोवर दिखता है, जिसकी बनावट कालिंजर के स्वर्गरोहण ताल जैसी है तथा इसी के बगल में एक चंदेलकालीन भव्य मंदिर दिखाई पड़ता है। इसमें कोई प्रतिमा नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर दो अन्य मंदिर और देखने को मिलते हैं। यह दोनों मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। यह स्थली कर्म कांडव ऋषि, यमन ऋषि, चरक ऋषि और महा अघरवर्ण की कर्म स्थली रही है। महा अघरवर्ण व्यास के ससुर थे तथा उनकी पुत्री का नाम वाटिका था, जो व्यास जी की पत्नी थी।
जब इस क्षेत्र में बघेलों का शासन स्थापित हुआ उस समय यह बघेल नरेश प्यागष्ट देव की राजधानी रही। रामचंद्र बघेल के शासनकाल में यह क्षेत्र बघेलों के शासन के अंतर्गत रहा। बाद में रामचंद्र बघेल ने इस क्षेत्र को मुगल बादशाह अकबर को दे दिया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन बीरबल पहले रामचंद्र बघेल के राज्य में भी मड़फा में निवास किया करते थे। यह भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। शिलालेख के अनुसार संबत 1408 माघ सुदी 5 रविवार को प्रतिमा की स्थापना का उल्लेख है। ये पानी की बावली है, इसको कई पिलर में बनाया गया है और इस पिलर के ऊपर इसका छत बनाया गया है जिससे पानी प्रदूषित न हो। बहुत ही पुराना है। पानी निकालने के लिए ये घिरनी है। इस घिरनी के द्वारा रस्सी और बाल्टी के सहारे पानी ऊपर निकालते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर चलने के बाद में आपको और खंडर नुमा भवन देखने को मिलेंगे, जिसमें शिलालेख के साथ में जैन तीर्थांकरों की मूर्तियां और खंडर में तब्दील हो चुके खूबसूरत भवन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे पद चिन्ह बने हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस समय बन को आए थे तो उस समय के ये चिन्ह बताए जा रहे हैं और ये मंडफा दुर्ग के ऊपर ही है। दोस्तों, ऐसी ही खूबसूरत हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।